तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स होने के बाद ही स्वाइप अप का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यार हम लोग चाहते हैं कि यार हम लोगों को उससे पहले मिल जाए, क्योंकि 10,000 फॉलोअर्स इतना आसान नहीं होता इंस्टाग्राम पे कंप्लीट करना, या फिर बहुत सारे लोगों के 10,000 में 1,000 ही फॉलोअर कम है लेकिन वो स्वाइप अप लिंक ऐड करना चाहते हैं ताकि यार वो लोग अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर सकें या फिर अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकें। क्योंकि यार देखो अगर आपके जैसे इंस्टाग्राम पे 8-9 हज़ार फॉलोअर है तो आप लोग चाहोगे कि यार वो सभी मेरे को जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, तो यार अब क्या होता है कि आप लोगों के पास स्वाइप अप का ऑप्शन तो होता नहीं, तो आप कैसे उनको रीडायरेक्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप लोग विदाउट 10K फॉलोअर्स कैसे इंस्टाग्राम पे स्वाइप अप लिंक को ऐड कर सकते हैं और अपने यूट्यूब वीडियोस में या फिर कहीं भी यूट्यूब चैनल पे कैसे आपकी जो इंस्टाग्राम की पब्लिक है उनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है मनीष एंड आप लोग देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे आप लोग इस अकाउंट को देख सकते हैं, इस अकाउंट में अभी 0 फॉलोअर और इसी अकाउंट में हम लोग स्वाइप अप लिंक को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को मोबाइल के कैमरे में आना है और इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को एक वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी, 15-20 सेकंड की जैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो वाले सेक्शन में आना है और इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। वैसे तो मेरी नई वीडियो आ चुकी है, अगर आप लोग उसको देखना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ ऊपर क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको मेरी यूट्यूब वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यूट्यूब पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर टैप करना है और इस पर टैप करने जस्ट लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया, अब हम लोगों को चलना पड़ेगा किसी भी ऐप में। यहाँ पे मैं वी एन वीडियो एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाते हैं वी एन वीडियो एडिटर का, क्योंकि हम लोग इसको पहले IGTV में अपलोड करेंगे और IGTV में मिनिमम 1 मिनट की वीडियो अपलोड होती है। तो या तो फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1 मिनट के पहले पूरी वीडियो बना सकते हैं या फिर यहाँ पे ब्लैंक चीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने छोटी वीडियो बनाई है तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, वीडियो पे क्लिक करना है इस तरीके से, 17 सेकंड की जो वीडियोस को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि लास्ट में हम लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हमारी वीडियो आ गई है और लास्ट में सब ब्लैंक सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपली क्या करना है, या तो इसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं या फिर ये इंक्रीज नहीं हो तो हम लोगों को जस्ट क्या करना है कि यहाँ से कोई भी एक फोटो को उठा लेना होगा। इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग फोटो वीडियो के ऑप्शन पे चले जाएंगे, यहाँ से कोई भी एक ब्लैंक फोटो उठा लेना है। जैसे हम लोग ये ब्लैंक फोटो उठा लेते हैं, इसको हम लोगों को जस्ट क्या करना होगा, यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और इसकी जो लेंथ है वो 1 मिनट के आसपास की हम लोगों को कर देनी है ताकि ये अपलोड हो जाए IGTV में। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों की ये कितने सेकंड की, 45 सेकंड की, 50 सेकंड की और ये हो गई 55 सेकंड की और ये 1 मिनट की हो गई है। अब जस्ट हम लोगों को क्या करना है कि इसको एक्सपोर्ट कर लेना है इस तरीके से और यहाँ पे आप लोग रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट पे टिक कर देना है तो ये यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसे हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, अब हम लोगों को अगेन इंस्टाग्राम में आना है। तो उसके लिए हम लोगों को प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, IGTV वीडियो पे क्लिक करना है, जो अभी हम लोगों ने रीसेंट वीडियो एक्सपोर्ट करी थी उसको यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग कवर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो प्रोसेसिंग होगी इस तरीके से, तो प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो हम लोगों को टाइटल में ये लिखना है यहाँ पे क्लिक हियर, ठीक है, क्लिक हियर और यहाँ पे हम लोग एरो लगा देंगे, यहाँ से एरो सर्च कर लेते हैं हम लोग एरो और यहाँ से कोई एक एरो लगा देंगे, हम लोग ये वाला लगा देते हैं, ठीक है, ये एरो लगा दिया। डिस्क्रिप्शन में जस्ट हम लोगों को अपने YouTube का या फिर कोई भी जो हम लोग लिंक ऐड करना चाहते हैं, जिस पे लोगों को पहुँचाना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो वो लिंक हम लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इंटर करनी होगी और यहाँ पे क्लिक करना होगा पोस्ट टू IGTV, ठीक है। तो ये क्या होगा कि IGTV में पोस्ट होने लग जाएगी, यहाँ पे पोस्ट स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि IGTV वीडियो पोस्ट हो गई है, अब हम लोगों को उसके बाद स्टोरी वाले सेक्शन में चलना है और स्टोरी वाले सेक्शन में जाने के बाद एक स्टोरी को रिकॉर्ड करना है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे करता हूँ, तो गाइज मेरी YouTube की नई वीडियो आ चुकी है, तो आप लोगों को जस्ट स्वाइप अप करना है और स्वाइप अप करने के बाद आप लोग रीडायरेक्ट होंगे IGTV पे, वहाँ पे आगे का प्रोसेस आप लोगों को मिल जाएगा। जस्ट आपको इतना बोलना है कि स्वाइप अप करो, ठीक है, स्वाइप अप करने के बाद उनको आगे का प्रोसेस आप अगली वीडियो में ही बता रहे हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों को लिंक का ऑप्शन आ गया है, जो आप लोगों को नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आप लिंक का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर आ चुका है, तो हम लोग को जस्ट उस पर टैप करना है, IGTV का ऑप्शन हम लोगों को मिल जाएगा, IGTV वीडियो इस पर सिलेक्ट करना है और जो हमारी रिसेंट IGTV की वीडियो हम लोगों ने बनाई थी उसको सिलेक्ट करके राइट पे क्लिक कर देना है और सेंड टू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। या फिर आप लोग यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं ऐड करता हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करा होगा तो ऐसे मैं स्वाइप अप स्टिकर जरूर ऐड करता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाता है क्योंकि स्वाइप अप करना है, क्योंकि वो लिंक इतनी सही नहीं रहती, मतलब उस तरीके से वहाँ छोटा सा स्वाइप अप शो होता है। तो आप लोग स्टिकर ऐड करके बड़ा सा स्वाइप अप कर सकते हैं ताकि लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि स्वाइप अप करना है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, मैं व्हाइट वाला कर रहा हूँ क्योंकि बाकी स्टिकर अभी लोडिंग नहीं हो रहे, आप कोई भी स्टिकर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को सिंपली क्या करना है कि सेंड
पे क्लिक कर देना, स्टोरी को इस तरीके से शेयर कर देना है, डन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो इंस्टाग्राम स्टोरी वो पोस्ट हो चुकी है। अब मैं आपको दूसरी आईडी से ले चल के बताता हूँ किस तरीके से वर्क करेगी। तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है, दूसरी आईडी पे यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे मेरा यूजर नेम जो ये वाले अकाउंट का है, जो मेरा रियल अकाउंट तो दूसरा है। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं करा तो जाके इंस्टाग्राम पे मनीष फॉर यू सर्च करना और वहाँ जाके फॉलो कर लेना, ये तो फेक अकाउंट्स हैं जस्ट आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोरी डली हुई है, तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस शो हो रहा है। तो हम लोगों को स्वाइप अप का ऑप्शन आ रहा है, हम लोग स्वाइप अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप अप हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने बताया कि यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है, जैसे कोई भी टाइटल पे क्लिक करेगा ना तो इस तरीके से यहाँ पे एक लिंक आएगी और उस पर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने वहाँ पे यूट्यूब की लिंक ऐड करी थी तो यूट्यूब पे ये जो हमारी लिंक है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वीडियो आ गई है। तो इस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम पे विदाउट 10K स्वाइप अप लिंक ऐड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे विदाउट 10K फॉलोअर्स स्वाइप अप लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोज डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।